मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मार्केट शाला पर मार्केट का रैप अप का डेली डोज, जिसमें कि हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं आपके सामने। निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है और आज बहुत ही भयंकर बिकवाली रही मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं ये जो लास्ट कैंडल है इसने अपना ट्रेंड लाइन का जो लोअर बैंड है जिसकी बात हम सुबह कर रहे थे उसको भी ब्रीच कर दिया है। और सिर्फ जो एक सहारा मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 21,806 यानी 21,800 के आसपास, जहाँ पे कि एक डबल बॉटम बना करके आज से एक महीने पहले 19 अप्रैल को इसने एक अपवर्ड मोमेंटम दिया था और वहाँ से एक डबल टॉप बना करके ये उसी लेवल पे आने की तैयारी कर रहा है। और अगर कहीं इसने इस लेवल को भी तोड़ दिया इस हाहाकारी वॉलेटिलिटी के चलते, तो फिर हमारे पास एक बहुत ही डीप डाइविंग के लिए बहुत बड़ा जो एक एरिया 20,230 तक का ओपन हो जाएगा, या फिर उसके नीचे जो दूसरे स्विंग लोज हैं उसको एक बार को हम देख पाएंगे, जैसा कि जो नियर बाय दिख रहा है 21,171 के आसपास, यानी कि सीधे 22,000 से 21,000 तक की जर्नी के लिए नीचे 1,000 पॉइंट के लिए एकदम ओपन एरिया है, वहाँ पर कहीं कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखते हैं ये सब कुछ हुआ क्यों, हुआ होने के पीछे रीज़न यही था, इंडिया विक्स को रीज़न इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि मार्केट में एक अनडिसाइसिवनेस है। और ये देखिए इसका आज भी लगभग 6.5% के जंप के साथ ये जो है क्लोज हुआ है, लेकिन इसने अपनी जो रेंज है 17.08 से लेकर के 19.17 लगभग 2 पॉइंट्स का जो है इसने पूरा का पूरा अपना एक प्राइस एंड एक्शन दिखाया इंडिया विक्स ने, जिसकी वजह से ये पूरा जो मार्केट के अंदर एक भय का वातावरण बना हुआ है और मार्केट ने अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल्स को भी आज ब्रीच किया। चलिए, जो इस शो का सबसे मेन जो हमारा उद्देश्य रहता है इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने मॉर्निंग में लेवल्स दिए थे उन लेवल्स को किस तरीके से ट्रेड किया गया उन पे एक बार को हम देख लेते हैं, जिससे कि हम समझ पाएं कि लेवल्स को कैसे ट्रेड किया जाता है। ये एक ओवरव्यू हो गया मार्केट का कि किस तरीके से आज मार्केट ने पूरा परफॉर्म किया। थोड़ा इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा फास्ट करें, कुछ तैयारियां भी हमने जो है चार्ट के ऊपर पहले से ही करके रखी हैं, जिससे कि टाइम थोड़ा कम लगे। अब जो ये दो एरियाज दिख रहे हैं, ये पहला तो बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स जो हम रोज लेकर के आते हैं आपके सामने, वो तो ये हो गया कि ये मार्केट का पूरा प्राइस एंड एक्शन आज रहा, ठीक है। और उसके अंदर जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं ये हैं ट्रेड्स, राइट। ट्रेड्स में आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है, जिस तरफ भी ये हल्का रेडिशनेस है ये है स्टॉप लॉस एरिया, अगर ये स्मॉल है नीचे की तरफ है इसका मतलब वो हमने लॉन्ग कॉल लिया था, और अगर ये ऊपर की तरफ है ये रेडिश वाला एरिया तो वो हमने शॉर्ट कॉल लिया था। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ पे कल जो है मार्केट क्लोज हुआ था अराउंड 22,392 के आसपास। सारे लेवल्स एज इट इज वही हैं जो हमने मॉर्निंग में आपके साथ शेयर किए थे। एक बार मैं आपके साथ ये समरी शीट का एक एट अ ग्लांस आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको रिकॉल हो जाए जिन्होंने मॉर्निंग का प्री मार्केट एनालिसिस हमारा देखा था, राइट। तो एक दिन पहले का जो 5 मिनट्स का कैंडल यानी कि जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी अराउंड 22,392 के आसपास। आज जो ओपन हुआ ये हुआ 22,342 के लेवल के ऊपर, उससे एकदम जस्ट नीचे हमारा एक सपोर्ट एरिया बन रहा था जो कि था 22,316 पे। ये 16 के करीब जैसे ही हम एकदम अपना जो है यहाँ पे हमने एक अपना लेवल सोच के रखा था 22,316 को अगर एक बार को ये टच करता है तो हम एक प्लान करेंगे लॉन्ग साइड का ट्रेड। और उसको प्लान करने का रीजन ये था, ये जब हम यहां से देख रहे थे तो जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था वो आ रहा था 22,484 के ऊपर। अब इस बॉक्स को आप ध्यान से देखें, ये आपके लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही काम का बॉक्स है, जिसको कि मैं आपके सामने ये दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने जो स्टॉप लॉस लिया हमने ये जो दो सपोर्ट एरियाज बने हुए थे 22,320 और 22,316 के, उससे जस्ट नीचे हमने एक सपोर्ट लिया। और हमारे सामने जो ऊपर का जो लेवल ओपन था जिससे पहले कोई हर्डल्स नहीं थे, ये छोटे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जरूर हैं बट क्योंकि हमने डेली चार्ट के ऊपर सारे एरियाज को मार्क किया हुआ है तो इनका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है। अगर मार्केट को वो मोमेंटम मिल जाए तो हमारा जो टारगेट था
वो था 22,485 के आसपास, जहां पे कि रेजिस्टेंस आना था। और ये दो सपोर्ट लेवल, मेजर सपोर्ट लेवल 22,320 और 22,316 के नीचे अराउंड हमने जो है अपना जो स्टॉप लॉस हमने बनाया, एक बार को मैं अपना फेस को एडजस्ट कर लेता हूँ, हमने जो अपना स्टॉप लॉस बनाया वो बनाया रहा अराउंड 22,778 के आसपास। और 9:40 पे हमने ये ट्रेड लिया, क्योंकि पहली चार पांच कैंडल्स में हमें वो लेवल्स नहीं मिले थे। इस लेवल पे यहाँ पे इसने जो है उसको इसने यहाँ पे टच किया हमारे सपोर्ट एरियाज को, और उसके बाद तो सपोर्ट एरियाज को टच करने के बाद जो है यहाँ पे जो हमें अगला कैंडल मिला, अगला कैंडल आप देख रहे हैं 9:40 पे मिला, जो कि ओपन हुआ 22,342 के आसपास। यहाँ पे हमने अपना एक स्टॉप लॉस के साथ अपना टारगेट का हमने देखा कि कहाँ पे जो है ये टारगेट और हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जब हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड मैच कराया तो ये देखिए यहाँ पे 2.31 का जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड, यानी कि 1 रुपए के पीछे 2 रुपए 31 पैसे का रिवॉर्ड हमें दिख रहा था 1 रुपए के रिस्क के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर अपना इस ट्रेड को लिया, लेकिन ये ट्रेड जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे अगेंस्ट चला गया, और अगेंस्ट जाने के बाद 10:20 पे इसने हमारा सपोर्ट एरिया ब्रीच कर दिया, और 10:25 पे हमने जो है अपना यहाँ से एग्जिट ले लिया ओपन पे 22,262। 22,262 पे चीजें हमारे फेवर में चल रही थी, एक बड़ी ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड मोमेंटम के साथ नीचे आ रही थी, प्लस हमारे जो अभी तक दोनों ये लेवल सपोर्ट बने हुए थे 22,320 और 22,316, ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाले थे। तो हमने यहाँ पे एक साथ डबल पोजीशन ली शॉर्ट करके, एक ने हमारा जो है लॉन्ग को कवर किया, दूसरे ने हमारी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे खड़ी कर दी, और हमारा फिर वही हमने पैटर्न, हमने ये जो बॉक्स बनाया कि हम कहाँ तक अपने प्रॉफिट को चेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट लाइन थी वो बहुत नीचे थी 22,100। तो हमने सबसे पहले देखा कि हमारा स्टॉप लॉस हमें कहाँ रखना है। जब हमने दोनों सपोर्ट को कवर करने के बाद स्टॉप लॉस अपना बनाया 22,321 के आसपास, तो उस हिसाब से जो हमारा 57 पॉइंट का स्टॉप लॉस था उसके अगेंस्ट में हमने 114 पॉइंट का, जब हम 1:2 के हिसाब से हमने रिवॉर्ड अपना असाइन किया तो रिवॉर्ड बड़ी सेफ एरिया में आ रहा था, हमें मतलब अगले सपोर्ट तक जाने की भी जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके से हमने ये दूसरा ट्रेड लिया। ये आपके सामने हमारी ट्रेड बुक आ गई है, पहला ट्रेड जो हमने बताया था जो कि लॉस में गया 0.36% के साथ, 22,342 पे हमने लॉन्ग की पोजिशन बना करके 22,262 पे उसको हमने कवर कर लिया था, और सेम वहीं पे 22,262 पे हमने जब कवर किया था तो एक शॉर्ट की पोजिशन और बनाई, जो कि ये आप सेकंड लाइन में देख रहे हैं, और इसको हमने कवर किया 22,148 के प्री डिफाइंड 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ, जिसने हमें 0.51% का प्रॉफिट दिया, राइट। तो साथ के साथ हम आपके सामने ये भी लेके चल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है ये अब हमें वेट ये करना था, या तो ये हमारे ऊपर वाले रेजिस्टेंस एरिया पे आए इसके लेवल्स, या विद इन टाइम हमारे पास अभी इस टाइम पे जब हमने एग्जिट लिया है तो आप टाइम देख पा रहे हैं 12:55, लगभग जो है 1 बज रहा है, लेकिन अब उसके बाद अगर 2-4-5 मिनट में ये सपोर्ट एरिया आ जाता तो फिर हम एक बार को लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन ये सपोर्ट एरिया टच करते करते 2:40 हो चुके थे और हमारी दो ट्रेड्स निफ्टी में कंप्लीट हो चुकी थी, तो यहाँ पे और स्कोप हमें नहीं दिखाई दिया फर्दर ट्रेड्स लेने का, ठीक है। सेकेंड हमारा अंडरलाइंग था बैंक निफ्टी का फ्यूचर। बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो है आपके सामने ये है, और यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले मार्क किए हुए जो लेवल्स है वो वही है जो डेली चार्ट के ऊपर थे। ये चार्ट जो है 5 मिनट का चार्ट है, क्योंकि डेली चार्ट पे एनालिसिस करके हम एग्जीक्यूशन कहाँ करते हैं, लोअर लेवल वाले लोअर टाइम होराइजन के चार्ट पे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। एक दिन पहले का यानी कि 3:25 का जो कि ये क्लोज हुआ था कैंडल, एक दिन पहले का जो क्लोजिंग था वो हमें मिला था अराउंड 48,221 के ऊपर, और वहां से जो है हमें जो आज का 9:15 पे कैंडल ओपन हुआ वो हुआ 48,235, और जाकर के उसने सीधे हिट किया हमारे रेजिस्टेंस एरियाज को। रेजिस्टेंस एरिया जो था, मैं एक बार को अपना ये जो फेस वाला जगह है इसको मैं थोड़ा सेटल डाउन कर लेता हूँ, राइट।
तो इसने जो है सीधा जाकर के हिट किया हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था 48,354 का, जो कि पहले से हमने डिफाइन करके रखा था। और जैसे इसने हिट किया, हमने यहाँ पे जो सेकंड 9:20 का जो कैंडल था, यहाँ पे अपनी शॉर्ट की पोजीशन बनाई। प्रॉपरली रिस्क एंड रिवॉर्ड जो रखा 2.49, मतलब 1 रुपये के रिस्क के पीछे 2.5 रुपये का, लगभग लगभग 2.5 रुपये का रिवॉर्ड, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड था। रिस्क एंड रिवॉर्ड कैसे, हमने दोनों के दोनों जो हमारे रेजिस्टेंस एरियाज थे 48,442 और 48,354 को कवर किया अपने स्टॉप लॉस के साथ। और उसके साथ ही हमने देखा कि नीचे कहाँ तक जाने का पोटेंशियल है, तो नीचे का जो सपोर्ट एरिया था वो हमारा बन रहा था 48,011 के ऊपर। और यहाँ से बेहतरीन तरीके से इस शॉर्ट ट्रेड ने बैंक निफ्टी के ऊपर हमें बेहतरीन जो है एक ट्रेड दिलाया। 9:20 पे लिया हुआ ट्रेड हमारा जो है 10:01 के अंदर हमें एक प्रॉफिट दे के चला गया, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है। बाई 48,011 पे हमने कवर किया और शॉर्ट किया था 48,323 पे, जैसा कि अभी हमने चार्ट में बताया। 0.65% का हमने यहाँ पे पहली ट्रेड के अंदर प्रॉफिट जनरेट किया। फिर इसके बाद हमने देखा कि भाई हमने जहाँ प्रॉफिट जनरेट किया है वो कैंडल जो है क्लोज हुई है 48,009 पे, और हमारा जो ये सपोर्ट एरिया था वो था 48,011, यानी कि 2 पॉइंट नीचे जनरेट हुई है। तो एज पर हमारा जो रूल है उसके हिसाब से हमने अगली कैंडल पे फिर दोबारा से जाकर के छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बनाई अराउंड 48,000 के ऊपर, जिसका कि हमने हमने स्टॉप लॉस जो रखा था वो 48,008 के आसपास रखा, मतलब 7-8 पॉइंट ऊपर रखा, जो कि बहुत ही कम था। कम नहीं भी होता, क्योंकि हमारा जो लॉजिक है वो हम 5 मिनट, हमारा जो भी स्टॉप लॉस है, जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन है उसके ऊपर जब क्लोज देता है, राइट, उसके बाद हम एग्जिट करते हैं अगले कैंडल की ओपनिंग पे। तो ये हमारा एक पैटर्न है, इस वजह से हम उस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर 1 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस रखें या 10 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस रखें, काटना हमें तभी है जब उस रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया के दूसरी तरफ जो है हमारा पोजिशन क्लोज हो रहा है, या फिर जो लेवल है मार्केट का या जो अंडरलाइन का लेवल है वो क्लोज हो रहा है। अब उसमें भले ही हमारे 20 पॉइंट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन हम काटेंगे तभी जब सौदे को अपने, जब हमारा वो 5 मिनट का कैंडल उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन के उस तरफ जहाँ पे हमने शॉर्ट अपना स्टॉप लॉस लिया हुआ है वहाँ पे जाकर क्लोज दे रहा है, तो अगली कैंडल के ओपन पे हम काट लेते हैं। तो ये हार्डली मैटर्स कि हमने जहाँ पे पोजीशन ली उससे जस्ट 8 पॉइंट ही ऊपर हमने स्टॉप लॉस लिया, क्योंकि मैटर क्या करता है, देखिए अगली कैंडल पे, अगली कैंडल पे वो आराम से उसने 48,011 के ऊपर क्लोज दिया, यानी कि अराउंड आप ये मान के चलिए 48,049, लगभग लगभग कितने पॉइंट ऊपर, लगभग लगभग आप 11, मतलब 38 पॉइंट ऊपर जो है उसने अपना क्लोज दिया। तो ये एक, क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है स्क्रीन पे नहीं होता है, दिमाग में होता है, तो जस्ट एक हमें आइडिया चाहिए कि किस लेवल के ऊपर अगर या उस लेवल पे क्लोज होगा तब जाके हम एग्जिट करेंगे। और अगली कैंडल पे जो कि ओपन था 48,049 पे, हमने अपना एग्जिट ले लिया। 15 मिनट के अंदर हमें स्टॉप लॉस अपना बुक करना पड़ा। 48,000 पे हमने ओपन किया था अपना पोजिशन और 48,049 पे हमने लॉस बुक किया। 48,000 पे हमने शॉर्ट किया था, 48,049 पे अपना लॉस बुक किया। दूसरी कैंडल के ऊपर 10 मिनट के अंदर 0.10% का हमें इसमें लॉस होता है। फिर उसके बाद हमने, क्योंकि हमारा रूल है हम 3 ट्रेड्स लेते हैं, कल हम एक ये चीज़ कर गए थे कि हमने मतलब फ्लो फ्लो में हमने 4 ट्रेड्स ले लिए थे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रूल जो हम सिस्टम को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि मैक्सिमम इन अ डे एक अंडरलाइन में 3 ट्रेड ही लेंगे। फिर यहाँ पे अगली बार फिर जो है यही कैंडल जो है 10:40 की इसने क्लोज दिया। हमारे जो रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था अब सपोर्ट बन गया था क्योंकि उसके ऊपर क्लोज हुआ था, तो उसी कैंडल जिसमें हमने अपना स्टॉप लॉस लिया वही कैंडल नीचे आकर के फिर क्लोज हो गई, और वो कैंडल कर अराउंड क्लोज ने क्लोजिंग दिया 48,009, और हमारा जो सपोर्ट लाइन था वो खड़ा हुआ था 48,011, जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुका था एज पर हमारे रूल के हिसाब से। रूल हमें ब्रेक करना नहीं है, भले ही चार्ट पे हमको कुछ भी एजम्पशन दिखता रहे। अगली ट्रेड फिर हमने ली, क्योंकि 3 में से 2 ट्रेड ले चुके थे, 1 ट्रेड बची हुई थी। अगली ट्रेड फिर हमने ली यहाँ पे ओपनिंग पे 48,007 के ऊपर,
अपना स्टॉप लॉस का रिस्क एंड रिवॉर्ड बनाया, रिवॉर्ड जो है बेहतरीन जो है निकल के आ रहा था, लगभग 1:2 का, 1:2 से ज़्यादा ही। और हमने उस ट्रेड को जब लिया तो हालांकि हमने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर साइड में लेके गए कि मतलब मैक्सिमम कितना स्टॉप लॉस हो जाएगा अगर बड़ी कैंडल अगर जनरेट भी होती है, लेकिन हमारा रूल जो है वो ये कहता है कि अगर आपकी कैंडल ने क्लोज दे दिया है आपके रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर, अगर आपने शॉर्ट ट्रेड में है तो आपको अगली कैंडल पे निकल जाना है। तो हमारी ये कैंडल थी 10:55 पे जिसने कि क्लोज दिया 48,015 और हमारा रेजिस्टेंस एरिया था 48,011। तो अगली जो कैंडल बनी वो ओपन हुई 48,017, वहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस लेकर के हम निकल गए। 48,017 में हमने अपना स्टॉप लॉस ले लिया जो कि हमारी स्टार्ट हुई थी 48,007 के ऊपर, क्योंकि 10 पॉइंट का हमें हार्डली जो है नुकसान हुआ और इस तरह से हमने एक और स्टॉप लॉस लिया। आगे मौके जरूर आपको बहुत सारे और दिख रहे हैं, लेकिन रूल्स आर मेंट टू बी फॉलोड। अगर ऐसा रूल का कोई फायदा नहीं है जिसको कि हम स्ट्रिक्टली फॉलो ना कर पाए, इसलिए हमने 3 ट्रेड्स कंप्लीट होने के बाद और ट्रेड्स नहीं लिए। हालांकि यहाँ पे एक ट्रेड लॉन्ग का बना जिसने कि बढ़िया तरीके से देखिए रेजिस्टेंस लेवल पे जा करके यहाँ पे अपना टारगेट हिट किया, फिर यहाँ से जो है दूसरा ट्रेड फिर बना शॉर्ट साइड का जिसने जो है आपको शॉर्ट साइड पे फिर जो है टारगेट हिट कराया, और फिर यहाँ पे थोड़ा आप चाहते तो बना सकते थे कि 1:2 के आसपास आपको यहाँ पे भी रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल सकता था। तो फिर वो जो है मतलब पूरा टाइम एक ट्रेड, दूसरा ट्रेड, तीसरा, 3 ट्रेड इसने आज आपको 11:30 से लेकर के 1:55, 2 बजे तक 3 ट्रेड और दे दिए थे। बट हमारा जो रूल है कि हम एक अंडरलाइन में 3 ट्रेड लेते हैं, ये हमारे रिस्क को कंट्रोल करता है, इसलिए हमने आगे कोई और ट्रेड नहीं लिया, राइट? तो हम वही डिस्कस करेंगे जो हमने रूल्स बनाए हुए हैं और उन रूल्स के हिसाब से हमने जो ट्रेड्स लिए हुए हैं। तो ये था आज का हमारा बैंक निफ्टी, देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में 3 ट्रेड्स लिए और 2 ट्रेड हमारे फेल गए, 1 ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हुआ। डिस्पाइट ऑफ दैट वी अर्न अराउंड 0.53% प्रॉफिट इन टू दैट, राइट? अब देख लेते हैं लॉन्ग साइड का जो हमारा ट्रेड था वो क्या था। लॉन्ग साइड का ट्रेड था हमारा कैफिन टेक। आज बहुत मजेदार बात हुई कैफिन टेक में, आप देख पाएंगे उसको कि सब कुछ हुआ भी और कुछ नहीं भी हुआ, राइट? तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि किस तरीके से वो ट्रेड जनरेट हो सकता था आज हमारे लिए, राइट? इसको एक बार के लिए हम हटा देते हैं जहां पे, क्योंकि ये ट्रेड हुआ नहीं आज, मैं आपको बताता हूँ किस वजह से। सबसे पहले तो ये ट्रेड हमने जो दिया था इसमें हमने कहा था कि भाई कैफिन टेक को 668 रुपये या फिर 600 सॉरी 768 रुपये या 766 रुपये के ऊपर लॉन्ग करना है, ठीक है? स्टॉप लॉस रहेगा 762 रुपये और टारगेट रहेगा 780। अब यहाँ पे जो क्लोज इसने लिया था, ये लिया था अराउंड एक दिन पहले 769 रुपये के आसपास, ठीक है जी? अब मेरे लिए बड़ा आसान है आपको ये बताना कि देखिए जी, मैंने जो है आपको जो ट्रेड बताया, इसने ओपनिंग लिया 771 पे, यहाँ पे मैंने लॉन्ग किया, हाई बनाया 783 का, पहले 5 मिनट के अंदर इसने 780 का जो हमने टारगेट दिया था अचीव कर लिया। पर प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं। प्रैक्टिकली ऐसा क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो 5 मिनट की कैंडल है ना, इसको आप 2 मिनट में कन्वर्ट कर दो, राइट? 3 मिनट में कन्वर्ट कर दो, चलो 3 मिनट पे जब आप कन्वर्ट कर दोगे तो ये है आपकी 9:15 की कैंडल, जहां पे कि आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है। पहली ही ओपनिंग जो हुई है, पहली ही ओपनिंग जो हुई है वो हुई है 771 के ऊपर, और वो कैंडल ने क्लोज देते देते 777 बना दिया। अब 3 रुपए का अगर आप टारगेट लेकर के और जहां पे जो जहां पे उसका स्टॉप लॉस बन रहा है 762, यानी कि कैसे ये पॉसिबल? अगर आपने अगर 5 मिनट के कैंडल को ब्रीच मतलब ब्रेक कर भी दिया होता तो भी ये संभव नहीं था, राइट? हालांकि मैं ये नहीं कहता हूं कि इसको ब्रेक ब्रेक करना चाहिए, बट कई बार क्या होता है कि आपके फ्लो में जा रहा है कोई ट्रेड, एकदम से आपका पूरा एनालिसिस एकदम पक्का हो गया, तो आप कई बार जो है 5 मिनट को 3 मिनट वाले में लाने की कोशिश करते हो, देखते हो कहीं, क्योंकि 1-2 मिनट में जो है आपका सौदा जो है क्लिक कर जाता है, लेकिन कम से कम 3 मिनट तो आप देखेंगे उसके भाव को, उसके प्राइस एंड एक्शन को, और 3 मिनट जब आप देख रहे हैं तो उसका क्लोज हो रहा है 776 रुपये के आसपास, राइट? जो आपकी ये कैंडल है
इसका क्लोज हो रहा है 776 रुपये के आसपास, आपके पास रह गए 4 रुपये, और आप 4 रुपये के अगेंस्ट में 776 से आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपसे कितना दूर है, 6 और 8 14 रुपये, 14 रुपये के अगेंस्ट में 4 रुपये का जो है, मतलब ये तो कोई भी तरीके से रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करने वाली ट्रेड थी ही नहीं। इस वजह से ये ट्रेड एक्चुअली प्रैक्टिकली ये ट्रेड जो है नहीं हुई। हाँ थियोरेटिकली आप इसको जो है बोल सकते हो कि आपने जो है टारगेट अचीव कर लिया और जो है एकदम आपका कॉल जो है एकदम सक्सीड कर गया, बट प्रैक्टिकली जब मार्केट में हम होते हैं, क्योंकि इस शो में हम यही कर रहे हैं कि मार्केट में प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, ये नहीं कि खाली सुबह लेवल्स दे दिए शाम को जो है अपना पीठ थपथपा लिया कि भाई हमने देखो आपको जो है यहाँ पे खरीदने को बोला था, ओपन देखिए एग्जैक्टली वहीं पे हुआ है, लेकिन आपको मौका ही नहीं देगा वो बाई करने का, मौका ही नहीं मिला, और जब तक मौका मिला तब तक रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके फेवर से जा चुका था। तो इस वजह से ये ट्रेड एक बार टारगेट हिट करने के बाद फिर जो है चांस कभी नहीं लेना चाहिए, अगर आपके लेवल पे खरीदने वाले लेवल पे आ जाए तो भी नहीं। एक बार टारगेट हिट हो गया और आप अगर आपसे छूट गया है वो ट्रेड, तो आप दोबारा उसमें जंप इन मत करिए, क्योंकि दोबारा अगर वो उसी लेवल पे आ रहा हो सकता है उसके प्लान्स अलग हैं, और वही हुआ पूरी तरीके से। देखिए एक बार उसने अपना 780 का टारगेट हिट करके जो नीचे आया है उसने सारे स्टॉप लॉस वगैरह सब धराशायी कर दिए केफिन टेक्नोलॉजीज ने, और कितना नीचे जा करके बंद हुआ है आप खुद देखिए, लगभग 784 का हाई इसने बनाया और आज जो लो बना है, लो जो है आप देख पा रहे हैं 742, लगभग लगभग 42 रुपीज का जो है इसने प्राइस एंड एक्शन दिखाया टूवर्ड्स दी डाउनवर्ड साइड। अगर आपने यहाँ पे फिर दोबारा इस कैंडल के ऊपर लगभग 10 बजे के आसपास फिर सोचा होता कि यार लीजिए हमारा लेवल आ गया यहाँ खरीद लेते हैं, तो यहाँ से फिर जो है क्योंकि वो टारगेट अचीव कर चुका है वहाँ पे, जहाँ पे प्राइस एंड एक्शन के हिसाब से जो हमने एनालिसिस दिखाया था वहाँ वो टारगेट अचीव हो चुका था, उसका दोबारा वो अचीव हो पाना इट इज़ नॉट दी राइट रूल टू बी फॉलोड। एक बार चीज निकल गई टारगेट अचीव हो, टारगेट अचीव नहीं होता तो आप एक बार को ट्राई कर सकते थे कि हाँ उस टारगेट पे फिर दोबारा जाने की वो कोशिश करता, क्योंकि वहां पे क्या होता है वो टारगेट हम इस तरीके से बनाते हैं जहां पे कि हमें सप्लाई जोन दिख रहा होता है, वहां पे अगर पहली बार में नहीं जा पाया दूसरी बार फिर अटेम्प्ट करेगा, फिर वहां से जब सप्लाई आएगी फिर उसके बाद एक नया प्राइस फॉर्मेशन होगा जो कि ये था आपके सामने, ठीक है। तो इस वजह से हमने इस ट्रेड को नहीं लिया, और यहां पे हमने लिखा है कि लॉन्ग साइड का जो स्टॉक ट्रेड आइडिया था वो नॉट एप्लीकेबल रहा, प्रॉफिट लॉस लॉस परसेंटेज जो है 0.0 उसमें रहा, राइट। अब देख लेते हैं कि हमारा जो है शॉर्ट साइड का जो आइडिया था अदानी पोर्ट्स, ADANIPORTS अदानी पोर्ट्स, उसका क्या रहा और कैसा रहा, ठीक है जी। ये था एक दिन पहले का कैंडल, जो पहला कैंडल होता है जहां से बॉक्स हम शुरू कर रहे होते हैं वो ये है। ओके हम एक थोड़ा इधर इधर आ गए। इसका जो क्लोज था 1276 रुपये था, हमने बोला था मॉर्निंग में कि 1277 रुपये 25 पैसे या 1280 रुपये के नीचे नीचे बेचें, ठीक है। पहली कंडीशन ये थी 1277 या 1280 के नीचे नीचे बेचें। पहली जो 5 मिनट की कैंडल बनी 1278 पे ओपन हुई, 1284 पे हाई गया, क्लोज उसका 1284 पे रहा, ठीक है। अगर आपको एक कैंडल का वेट करना चाहिए एकदम परफेक्ट एकदम सही बात है, अगली कैंडल जो है आपको हाई बनाया उसने 1284 का, क्लोज बनाया 1279 का, आराम से आपको 1280 के नीचे जो है बेचने का मौका मिला, ठीक है। 1279 के आसपास आपने 80 के नीचे या 1280 जहाँ पे भी आपने बेचा, 1279 1280 जहाँ भी बेचा वहाँ से आपने अपना ये है रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला ये जो चार्ट है इसको यहाँ पे फॉर्म किया। जब आपने इसको यहाँ पे फॉर्म किया तो हमारा जो टारगेट आ रहा है, जो हमने टारगेट मेंशन किया था वो था 1237 रुपये तक जाने का पोटेंशियल इसका, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं जिससे कि एट अ ग्लांस चीजें दिख पाए हमें, है ना, ये इसको थोड़ा छोटा करके आपके सामने लेके आते हैं, ठीक है। ये है 1237 रुपये का हमने यहाँ पे टारगेट बनाया, और हमारी जो शॉर्ट पोजीशन थी वो बनी इसके 1280 के आसपास, ठीक है जी। ये देखिए ये जो लाइन है अराउंड 1278 या 80 जो भी है यहाँ पे, वो एक पोजीशन 1278 रुपये 50 पैसे के आसपास हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई। हमारा जो हमने
स्टॉप लॉस रखा वो 1296 था, राइट, 1297 रुपये जो है हमारा स्टॉप लॉस था। 1297 के स्टॉप लॉस के आसपास जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना बन रहा है, 2.25, यानी कि एक रुपये का रिस्क 2.25 रुपीज़ का प्रॉफिट। और यहाँ से देखिए सीधा उसने दोबारा देखा ही नहीं, और आपको हमारा जो रूल है क्या बोलता है कि 2:55 की कैंडल जैसे ही बंद होती है, 3:00 अगर हमारा या तो टारगेट अचीव हो जाए 1237 रुपये, अगर नहीं हुआ है तो 3:00 का जो कैंडल है उसका ओपनिंग प्राइस में हम निकल जाएंगे। तो 3:00 कैंडल कहाँ जनरेट हो रही है, 3:00 की कैंडल यहाँ जनरेट हो गई, ठीक है जी, 3:00 की कैंडल यहाँ जनरेट हुई। तो इसने ओपनिंग कितने अमाउंट में दी, 1247.75 रुपये, 10 रुपये रह गए, कोई बात नहीं, 1247 रुपये में आपने जो है एग्जिट लिया, 1247 रुपये में आपने अपनी अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर किया, 2.56% का प्रॉफिट लेके आप निकले, राइट। अब देखते हैं कि ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल पीएनएल आज का 3.24%, यानी कि अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ योर कैपिटल इज 10 लाख रुपीज, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ योर कैपिटल, व्हाई आई एम टेलिंग, निफ्टी का जो लॉट है वो 20% कॉस्ट में आप जो है ट्रेड कर सकते हैं, 100 रुपये की चीज 20 रुपये देना पड़ेगा आपको, बैंक निफ्टी 100 रुपये की चीज 20 रुपये देना पड़ेगा आपको, अगर शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं वो भी फ्यूचर में लेते हैं वो भी अराउंड 20% के आसपास आपका मार्जिन मनी में काम चल जाता है। लॉन्ग पोजीशन एक है ऐसा कि जिसमें कि आपको कभी कैश में भी काम करना पड़ सकता है, और कभी जो है अगर आपके पास फ्यूचर फ्यूचर लॉट पे काम करने का अनुभव है तो लॉन्ग साइड में आप उसमें भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि निफ्टी 200 के स्टॉक्स में से कोई एक स्टॉक हो, ठीक है जी। लॉन्ग स्टॉक में तो आज जो है काम करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिला, हालांकि हमारा ट्रेड सक्सेसफुल था, मतलब जो हमारा प्लान था, हमारा सिस्टम था, प्राइस एंड एक्शन का जो एनालिसिस था एकदम सक्सेसफुल परफेक्ट था, हमारे टारगेट को पकड़ के लेकर के वो वापस नीचे आकर के अपना जो है उसने लॉ अपने आप अपने जो है गेंस को जीरो करके माइनस में जाके बंद हुआ, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन हमें एंट्री का मौका नहीं मिला, जो कि हमने बताया कि क्या और क्यों हुआ था। बाकी जो है आप देखिए कि 10 लाख रुपीज के इंट्रेंसिक कैपिटल के ऊपर, इंट्रेंसिक कैपिटल पे जोर मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है शायद आपकी जो एक्चुअल कैपिटल है वो 3-4 लाख रुपये ही होगी, राइट, मैं मान लेता हूँ कि 2 लाख 20% के हिसाब से 2 लाख रुपये आपकी जो मार्जिन मनी लगा हुआ है 2 लाख रुपये बैकअप का हो गया, 4 लाख रुपये में आपने अगर देखेंगे तो ये तो बहुत बड़ा परसेंटेज हो जाएगा, बट फिर भी हम इंट्रेंसिक कॉस्ट ऑफ योर कैपिटल जो है लगाते हैं, क्योंकि जो आप जिस भाव में मार्केट में जा रहे हैं वो उसका इंट्रेंसिक वैल्यू ही आपका रिस्क जो है और रिवॉर्ड को जो है तय करता है, क्योंकि अगर आपके आपके अगेंस्ट में आपका कॉल चला गया तो आपको नुकसान जो है उस इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से ही देना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट को जो है मार्जिन से कुछ नहीं लेना देना, वो तो 100 की चीज पे 100 के हिसाब से ही जो है गिरेगा, 100 के हिसाब से ही बढ़ेगा, भले जो है आपका ब्रोकर आपसे जो है 20 रुपये ले रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से हमने यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू सपोज करिए आपकी कैपिटल का है 10 लाख रुपीज, तो 3.24 इज अराउंड 32,439 रुपीज, राइट। तो ये था आज का पूरा ट्रेडिंग का आपका क्लास मेंटोरशिप, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ डेली ये मेंटोरशिप आपके सामने लेके आऊँ और आपके साथ डिस्कस करूँ और आपको समझाऊँ कैसे जो है एग्जिट्स एंड एंट्रीज होते हैं, कैसे स्टॉप लॉसेस होते हैं, कैसे जो है ट्रेड्स मिस होते हैं, क्योंकि आपने इतने दिनों में सब कुछ सीख लिया, कैसे जो है मार्केट अब उल्टा सीधा चल रहा है फिर भी आप कैपिटल बचा के अपना नो लॉस नो प्रॉफिट में निकल रहे हैं, मार्केट ने इतना हाईली वॉलेटिलिटी दिखाया फिर भी आधा 1% आपने जो है वहां से बना दिया, मार्केट ने आज भी इतना हाईली वॉलेटाइल, क्योंकि 2 दिन आप पैसे बचा करके निकले तो आज आपको मौका मिला कि आज आपने अपनी कैपिटल के ऊपर 3.23% का जो है रिवॉर्ड अर्न कर लिया, कल को हो सकता है 1.5% निकल भी जाए इसमें से, लेकिन कमाया हुआ है तो देने में दिक्कत नहीं है ना, कमाया ही नहीं है तो फिर देंगे कहां से। और अगर आज का आप देखें आज हमारी कितनी ट्रेड्स हुई, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 में से कितनी ट्रेड्स जो है पिंक कलर में, यानी कि हमने जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ 1, 2, 3 एंड 3 आउट ऑफ 3, 50% का सक्सेस रेट था, माने आधी ट्रेडें आपकी सफल हुई और आधी ट्रेडें जो है आप जो है असफल रहे जिसमें कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, और आप
जो है अपनी कैपिटल के ऊपर 3.24% का आपने अपना प्रॉफिट जनरेट किया इन अ सिंगल डे. इज इट नॉट द वर्थ बिजनेस विच यू शुड लर्न एंड डू एज बिजनेस नॉट एज स्पेकुलेशन. सोचिएगा जरूर और जुड़े रहिए हमारे साथ डेली शोज हमारे जो दोनों आते हैं सुबह प्री मार्केट एनालिसिस एंड शाम को मार्केट रैप अप शो पोस्ट मार्केट एनालिसिस के अंदर जिसके अंदर की ट्रू लर्निंग ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग हम आपके साथ शेयर करते हैं. जुड़े रहिए सीखते रहिए. डू ट्रेड डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला माय डियर फ्रेंड्स. सी यू टुमारो मॉर्निंग. डोंट मिस मार्केट शाला का डेली डोज. थैंक यू. बाय बाय.